सुविधा ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। हनुमान जयंती के दिन भक्त अपने अपने तरीके से बजरंग बली हनुमान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसी के चलते जबलपुर में पंचमठा हनुमान मंदिर में एक टन मोतीचूर का लड्डू बजरंग बली को अर्पित किया गया। गढ़ा इलाके में गौंड राजाओं ने पंचमठा मंदिर की स्थापना की थी। यहीं पर सैकड़ों साल पुराना एक हनुमान मंदिर है जिसमें लोगों की बड़ी आस्था है, इसलिए यहाँ हनुमान जयंती का कार्यक्रम बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले साल यह परंपरा शुरू हुई, कुछ युवाओं ने इस परंपरा को शुरू किया था। इस साल हनुमान जी को एक टन का लड्डू बनाने का बीड़ा महिलाओं ने उठाया। महिलाओं ने एक सप्ताह तक लगातार मेहनत करके एक टन वजन का मोतीचूर का लड्डू बनाया है। इस लड्डू को बनाने के लिए विशेष मिठाई बनाने वाले को भी बुलाया जाता है, क्योंकि इतने बड़े लड्डू को आकार देने के लिए विशेष कलाकारी की जरूरत होती है। लड्डू को नीचे से एक मोटी पॉलीथिन का सहारा देना पड़ता है, इसके बाद धीरे धीरे करके 4 फीट के ब्यास वाला लड्डू तैयार किया जाता है। लड्डू को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मोतीचूर का स्वाद और उसकी गुणवत्ता 5 दिन तक बनी रहे। एक सप्ताह की मेहनत के बाद जब यह लड्डू तैयार हुआ तो इसका विधिवत पूजन हुआ। इसमें शहर के कई साधु संतों को भी बुलाकर मंत्रोच्चार के साथ भगवान को महाभोग लगाया गया। हनुमान मंदिर पंचमठा सेवा समिति द्वारा लघु काशी पंचमठा मंदिर जो मंदिर है, यहाँ पर एक टन मालट्टू का महाप्रसाद के रूप में भोग लगाया गया है। यह मंदिर जो है प्राचीन काल का लगभग 1414वीं सदी के पहले का है। लघु काशी जो राजा भगवान है उनके पहले से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है। संत साधु संत महात्माओं द्वारा वाला एरिया है, आदिवासियों के रूप में सारे लोग वहाँ देव के रूप में पूजे जाते थे। बाजू में हनुमान शंकर जी का मंदिर है, वहीं पर हनुमान जी का। महालड्डू जो बनाया जाता है इसकी सामग्री लगभग 500 किलो इसमें शक्कर लगती है और 300 किलो इसमें लगता है बेसन, 200 क्विंटल करीब लगता है इसमें, 200 किलो करीब लगता है शुद्ध घी। इसके बाद में पंचमेवा और बाकी सब सामग्री मिला करके इस प्रकार से इसका लगभग 1000 से भी ऊपर 1100 किलो तक पहुंच जाता है। इसके और जो श्रद्धालु अपने इसका अगर चढ़ाना चाहते हैं तो जो प्रसाद हमारे यहाँ 3 दिन से बढ़ रहा है वह भी इसी लड्डू का भोग के रूप में बांटा जा रहा है। इस प्रकार से जगत पिछले वर्ष भी जो हम लोगों ने इसका निर्माण करवाया था इसके लिए कारीगर इस वर्ष भी 3 प्रदेश से बुलाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आए महाराष्ट्र के, इसके बाद कुछ आए राजस्थान से और कुछ मिला के मध्य प्रदेश के, और लगभग 1 सप्ताह निर्माण करने में इसका लगता है। इस प्रकार से हुआ है 5 दिन का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है। प्रथम दिन लड्डू अन्नपूर्णा का पूजन हुआ है, प्रति दिन से इसका कार्य प्रारंभ होगा। सारे कारीगर आए यहीं पर रुके, उनको भोजन चाहिए सारी व्यवस्था समिति के द्वारा की गई और फिर इसके बाद में पूजन हुआ था। जबलपुर से हरीश दुबे, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।